अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला कि ये जो 13 फ्लोर है इसके बारे में कुछ बताएं जो साइमर ट्रेड टावर में हॉरर फ्लोर है। तो मैंने जाके वहाँ पे रिसर्च वगैरह की है और एक दो अपने दोस्तों से भी पूछा है जो वहाँ काम किया करते थे, तो उनके वाकयात भी हैं और कुछ पुराने वाकयात भी हैं जो काफ़ी हद तक सच्चाई है जिनमें। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहली कहानी जो है वो मेरे दोस्त आतिफ की है। आतिफ वहीं पे काम किया करता था 15 फ्लोर पे साइमर ट्रेड टावर में। ये कुछ साल पहले की कहानी है। तो आतिफ ने मुझे बताया था कि वो वहाँ पे काम कर रहा था तो रात देर हो गई थी, तो उसने बोला यार चलो मैं ना चलता हूँ अब अपने घर। तो वो निकला अपने ऑफिस से और जब वो 13 फ्लोर पे पहुँचा तो उसको वो अजीब सी आवाज़ें आने लगी वहाँ पर किसी लड़की के रोने की। उसकी तबीयत ख़राब हो गई और ना वो फिर नीचे आया। हालांकि वो लिफ्ट से ही जाता है पर वो वैसे जो है ना जब नीचे आया तो उसने क्या किया, सबसे पहले गार्ड को बताया यार ऊपर कोई था। उसने बोला ऊपर तो कोई भी नहीं था, आवाज़ आ रही थी लड़की के रोने की ना। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब ये जो 13 फ्लोर था इसको इस तरह से पैक तो था पर जो है उसको सही तरीके से मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर पैक नहीं था, क्योंकि लिफ्ट वगैरह का जो था ना सीन के वहाँ पे 13 फ्लोर पे लिफ्ट अगर रुक गई तो दरवाज़ा खुलता था तो सामने सीमेंट भी नहीं थी और बंदा अंदर आराम से फ्लोर में जा सकता है, तो ऐसा सीन था। तो आतिफ जब वो डर गया और उसने बोला यार, बड़ी तबीयत तो उसकी ख़राब हुई और उसने बोला, फिर उसके बाद उसने रिज़ाइन नहीं कर दिया, उसने बोला बॉस मैं इतनी रात को नहीं रुक सकता इस जगह क्योंकि उसकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। फिर सेकंड स्टोरी ये थी कि कुछ लड़कियां वहाँ पे ही 14 फ्लोर पे काम करती थी, तो उनको भी ज़रा सा लेट हो गया पर उनका लिफ्ट वाला सीन था कि वो लिफ्ट में बैठी हैं और लिफ्ट से वो फिर नीचे की साइड पे उन्होंने दबाया। पर हुआ ये कि जब वो 14 से 13 फ्लोर पे आया ना तो रुक गया लिफ्ट और दरवाज़ा खुल गया और गुप अंधेरा अंदर देख के लड़कियाँ डर गईं। और लड़कियों को पता था यहाँ पर नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, अगर बाहर निकले तो लिफ्ट बंद हो गई तो फिर लिफ्ट 13 फ्लोर पे ही फंस जाएंगे। तो वो अंधेरा गुप अंधेरा था, वो बटन दबाती नहीं दबाती नहीं दबाती नहीं। तो जैसे ही वो लिफ्ट एकदम से चली है नीचे आई है तो वो लोग ने अगले ही दिन रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने बोला भाई इस जगह काम ही नहीं करना क्योंकि वो इतनी खौफनाक जगह थी 13 फ्लोर को जब देखा उन्होंने। इसी तरह से कई वाकयात थे। फिर इन लोग को लिफ्ट की साइड पे भी बंद करना पड़ा, उसको सील करना पड़ा ताकि 13 फ्लोर पे कोई जा ही ना सके, सीधा वो 14 से 12 फ्लोर पे आए। रिसेंटली काफ़ी जो लोग हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं पर वहाँ पे इजाज़त ही नहीं है कि 13 फ्लोर कोई जाए, सब अपना रिस्क लेकर जा सकते हैं वहाँ पे, पर कोई भी नहीं गया वहाँ पे 13 फ्लोर पे। और वो एरिया में औरतों की आवाज़ें रोने की आती है और वो आने नहीं देती 13 फ्लोर पे ना लोगों को, तो जो भी उधर से गुजरा होता है बेशक वो बंद है तो दूसरी साइड पर अजीब आवाज़ आती है जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आपको 13 फ्लोर के बारे में क्या कहना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो काफ़ी इसके और भी वाकयात हैं जो दूसरी चीज़ों के, तो मैं बताऊंगा आपको अगली एपिसोड में। तो हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।